जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 27 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें दो पार्ट है, 28 का ए और 28 का बी। 28 के ए में एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें बहुत सारे एसेट्स हैं, जिसमें से कैश को छोड़कर सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। सिमिलरली क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी को हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। छोटी छोटी एडजस्टमेंट दिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाइस टू डेटर्स की। जैसा कि आपको पता है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने बताया था कि प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, सारी एसेट्स उठाकर इधर और सारी लाइबिलिटीज उठाकर इधर, पार्टनर रिलेटेड थिंग्स कोई भी नहीं जाएगी और कैश अकाउंट नहीं जाएगा। टू डेटर्स के बाद टू स्टॉक 3498 का और चला जाएगा, फिर 200 शेयर्स इन बी कंपनी, 260 शेयर्स इन बी कंपनी। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट है जिसको आप अब तक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते थे, वो इन्वेस्टमेंट को शेयर के रूप में बता रहा है कि ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसको कुछ बच्चे जो शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहीं कन्फ्यूज मत हो जाना। 200 शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड, 2000 रुपये के हैं शेयर्स ये वाले और 480 रुपये के हैं शेयर्स ये वाले। पेटेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, चारों चीज़ों को और उठाकर हम डेबिट साइड डाल देंगे। पेटेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल, पेटेंट, मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल 7600 की, 6000 रुपये की, 5000 रुपये की और 3000 रुपये की। क्रेडिट साइड डालेंगे हम बाई क्रेडिटर्स और बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्रेडिटर्स में 3142 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4000 रुपये का। क्लियर है गाइस? ये पेड ऑफ होगा ही होगा। प्रोविजन कभी भी कोई पे ऑफ नहीं होते, इवन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कभी पे ऑफ नहीं होता। ये सारी चीज़ें रियलाइज होंगी जिस तरीके से बताएंगे हमको। एक्सेस टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 7300। सबसे पहले अगर पेन बदल पाऊँ तो दूसरा पेन होता तो बढ़िया लगता है। बाई एक्स कैपिटल ब्रैकेट में बिल्डिंग, एक्स भाई साहब बिल्डिंग ले गए, कितने की ले गए? 7300 की। देन बात आई Why who will continue the business to take over goodwill, stock, debtors at book value? Why जो है वो बोल रहे हैं कि मैं बिजनेस कंटिन्यू करूँगा, तो बहुत सारे एसेट जो है वाई ले जाएंगे। तो एक एक एसेट का नाम लिख ले रहे हैं बाई वाइज कैपिटल के नाम से। गुडविल, स्टॉक, डेटर, इन तीनों को ले गए बुक वैल्यू पर। गुडविल सारी चीज़ें वाई ले गए ताकि हम एंट्री डालने में दिक्कत ना हो। गुडविल 3000 रुपये की, स्टॉक जो है वो 3498 का और 1746 के डेटर्स। इसके बाद की बात करें हम, पेटेंट ले गए 6500 में, मशीनरी ले गए 1500 की। ही ऑल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर्स, इतने सारे आइटम्स ले गए। पेटेंट्स ले गए 6500 में जो कि वैल्यू बता रहा है, और लास्ट में क्या ले गए? मशीनरी 1500 में, 8000, 11000, 14000, 15000, 15000, 16000, 16100, 16198, 16244, 5, 5, 10, 7, 17, 21, 22, 5, 8, 9, 15, 16, 16244। आगे की बात करते हैं। ही ऑल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर्स, तो किसने पे करने की कसम खाई है? वाई कैपिटल में। बाकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो पे होना ही नहीं है, क्रेडिटर्स को भी यही भैया पे कर देंगे। कौन? वाई। वाई की बात करें तो कितने रुपए क्रेडिटर हैं? 3142 के। जेड एग्री टू टेक ओवर शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड एट 5 रुपीज। जो ये सी के ये जो शेयर्स हैं 60 शेयर्स हैं। यहाँ बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होगी कि सर शेयर्स तो 480 के, इधर कोई मतलब ही नहीं गाइस। वो बोल रहा है जेड एग्री टू टेक ओवर द शेयर इन सी कंपनी एट 5 रुपीज ईच, 5 रुपये का एक शेयर ले रहा है। शेयर कितने हैं? 60। तो सारे के सारे शेयर ये जेड भाई साहब ले लेंगे बाई जेड्स कैपिटल ब्रैकेट में शेयर्स। सी कंपनी वाले 60 शेयर हैं और 5 रुपये के हिसाब से 300 रुपये के ब्रैकेट में 60 शेयर हैं,
₹5 के हिसाब से 300 शेयर। शेयर इन बी कंपनी लिमिटेड आर टू बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारे लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे। कौन कौन से वाले शेयर? बाई एक्स कैपिटल, बाई वाई कैपिटल और बाई जेड्स कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे कितने? 100 शेयर जो कि ₹2000 के। कोई नई कीमत नहीं लिखी तो हम ₹2000 को ही बांट देंगे 7:2:1 में। तो इस शेयर्स ले लेंगे 1400, 400 और 200 में। शेयर्स। कोई दिक्कत गाइस? इन दोनों पॉइंट्स को दोबारा देख लो। शेयर्स जो सी कंपनी में, ये वाले 60 शेयर्स, ये कौन ले जा रहा है? वाई ले जा रहा है, वो जेड लेकर जा रहा है। 60 शेयर से ₹5 के हिसाब से लेकर जा रहा है। 60 शेयर से ₹5 के हिसाब से ₹300 की। और जो 100 शेयर है, ये कौन ले जा रहा है? ये 70-20-10 शेयर तो ऐसे ले जा रहे हैं, बट कोई कीमत नहीं लिखी तो हम इस पॉइंट को बांट देंगे बुक वैल्यू पर ही। अगर कोई कीमत लिखी होती तो पहले 100 का इंटू करते उसमें, फिर 7:2:1 में बांटते। मतलब कीमत मतलब प्राइस। प्राइस नहीं लिखी तो हम ₹2000 को 1400, 400 और 200 7:2:1 में बांट देंगे। किसमें? एक्स वाई जेड में, क्योंकि बोला शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड आर टू बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखना, मस्त से पॉइंट है। पहले वाले सारे शेयर जेड ले गया है, कितने रुपए में? 300 में। कैसे ले गया? शेयर तो 480 के थे, पर ये बुक वैल्यू है, ये 480 बुक वैल्यू है। नई वैल्यू क्या है उसकी? ₹5। और पूरे के पूरे शेयर ले गया तो 60 शेयर से 5 में इंटू कर देंगे। सर क्या इसका मतलब? एक्स वाई जेड तीनों 70-20-10 शेयर ले गए ये वाले? यस, 70-20-10 जो जिसकी जो कीमत थी वो ले गए हमने ₹2000 को बांट दिया। अगर नई कीमत होती तो 100 में पहले नई कीमत का इंटू करते, नई प्राइस का, फिर उसको 7:2:1 में बांटते। यहाँ तक किस बच्चे को बात समझ में आ गई जरा बताओ। और टोटलिंग करते हैं फटाफट से। तो टोटलिंग अगर करते हैं 4 और 2 6 आता है यहाँ पर 4 और 4 8 3298 आ रहा है क्रेडिट का टोटल। 3298 आ रहा है क्रेडिट का टोटल। डेबिट का करके देखते हैं 6, 8, 14, 2, 16, 5, 13, 26, 9, 13, 17, 19 24, 3, 6, 8, 9, 21 3, 2, 4, 6, 6 यहाँ का टोटल आया। 3, 2, 4, 6 यहाँ का 3, 2, 9, 8, 6 520 आएगा कहाँ पर? प्रॉफिट में। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर होगा एक्स की कैपिटल में, वाई की कैपिटल में और जेड की कैपिटल में। 527:2:1 में ट्रांसफर होगा। सात दूनी 14, 7, 5, 35 और 36, 364 ट्रांसफर होगा इसमें। 52, 104 होगा इसमें और 52, 52 होगा इसमें। कुछ इस तरीके से प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे जिनको तुरंत के तुरंत हम यहाँ डाल देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ जो नई सी चीज़ सीखने को मिलेगी वो ये मिलेगी, जब पार्टनर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ले जाते हैं तो क्या क्या होता है। इसके अलावा बाई बैलेंस बी डी कहाँ से उठा के डालना है? तो यहाँ से 3582-2720-16124 प्रॉफिट डाल ही दिए। रिजर्व्स वगैरह कुछ है नहीं है ऐसा, यहाँ भी कोई ऐसी एसेट है नहीं है, वो ऐसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है नहीं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है नहीं जो डेबिट में जाए तुरंत। अब यहाँ का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है सर? इधर सारी जगह देखो वाइस कैपिटल कहाँ ही रहा, वाइस कैपिटल कहाँ ही रहा। तो वाइस कैपिटल का जहाँ नाम आया इसका नाम है साहब रियलाइजेशन अकाउंट। 3142। इधर की बात करें तो एक्स कैपिटल का नाम जहाँ आया टू रियलाइजेशन कितना? 7300 बिल्डिंग लेके गया। फिर वाई तो बहुत सारी एसेट ले गया टू रियलाइजेशन अकाउंट 16244। एक्स ले गया खाली बिल्डिंग, वाई ले गया बहुत सारी एसेट, फिर जेड क्या ले गया? शेयर्स कितने के?
300 रुपये, बस केवल नाम आते जाएंगे, इधर नाम आएगा तो इधर और इधर नाम आएगा कहीं तो इधर, तो इधर सिर्फ एक ही का आ रहा वाई का, वो लिखी थी हमने 3142। इधर एक्स का पहले पहले यहाँ आया तो एक्स को ट्रांसफ़र किया, वाई का यहाँ आया तो वाई को ट्रांसफ़र किया, जेड का आया तो जेड को ट्रांसफ़र किया, अब एक्स वाई जेड तीनों का आ रहा है तो तीनों को ट्रांसफ़र करते हैं 1400, 400, 200 टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक में पेमेंट कर देंगे। हाँ जी 8 और 6 14 40 35 38 39 39 3946 और डेबिट में आ रहा है 8700, डेबिट में आ रहा है 8700, तो डेबिट का टोटल ज़्यादा हो गया 8700 में से यहाँ बैंक अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, 946 माइनस होगा 54 9 7 7 में से 4 3 4 4754, ये पैसे लेकर आएगा साहब जो कि बहुत ही कम होता है, 4754 हमारे काम की चीज़ है क्योंकि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। मैं आपके लिए मार्क नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मार्क नहीं लगाना एग्ज़ाम में, बस मुझे याद रहे कि मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करना है बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट बात करते हैं 2720 2720, ये तो ज़्यादा ही एसेट ले गया, इसका तो बैंक अकाउंट कुछ और ही आना है, ये भी पैसे लेकर आएगा, इसका ज़्यादा है यहाँ का 16644 में से माइनस करेंगे हम 27 28 29 59 66 5966 माइनस करेंगे किस में से 16644 में से, कैसे आ रहा है यहाँ तक तो सही है, 3142 सब सही है, 40 ये भी सब सही है, 6 8 3 6 7 9 6 10678 10678 ये भी पैसे लेकर आएगा, इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है, तुरंत 10678 और 4754 तुरंत ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, भूल ना जाए मैंने, 2X कैपिटल 2Y कैपिटल, ठीक है गाइस। जेड को पेमेंट करना है 16176 में से 500 गए तो 15676 शायद आएगा, 15676 सही आ रहा है, इसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा बाई जेड्स कैपिटल 15676 15676 15767, ठीक है, अमाउंट पर्टिकुलर्स। अब ढूंढो बैंक, देखो एक बैंक ये ट्रांसफ़र कर दिया, ये दोनों बैंक ट्रांसफ़र कर दिए, और कहीं बैंक ढूंढो, और कहीं बैंक ढूंढो, और कहीं बैंक ढूंढो, कहीं भी कोई भी बैंक नहीं है, बैंक है कैश इन हैंड में 244 की, बैंक है बैंक है, तो देखो बैंक अकाउंट तो इतना सरल है यहाँ का, बस सारी मेहनत रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल में, रियलाइजेशन में जो भी एसेट है वाई ले गया वाई के नाम से क्रिएट करेंगे, और जो भी यहाँ क्रेडिट हुआ है वो रियलाइजेशन वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा, जो भी यहाँ पार्टनर के नाम से आया वो रियलाइजेशन रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट का तो 15676 आ रहा है, डेबिट का और देखते हैं 4 8 12 4 16 7 5 12 16 और 1 17 16 15676 रुपये ये हो गया आपके कैश आउट बैंक अकाउंट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28B की, क्या है खास क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए जानते हैं। बैलेंस शीट दी है मिस्टर पी क्यू एंड आर की, 3:2:1 इनका रेशियो है। बैलेंस शीट के सारे आइटम रियलाइजेशन के डेबिट साइड जाएंगे जैसा कि आप जानते हैं, एज पर कॉन्सेप्ट नंबर 3 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, यहाँ के आइटम्स इधर और इधर के आइटम्स इधर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस सीधे कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा एज पर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 के अनुसार, और चैप्टर नंबर 6 में भी उसका यही ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्रोविजन क्रेडिट साइड आएगा, बैंक अकाउंट कहीं है नहीं है,
यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और मिसेस पीज लोन तीनों ही आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन है सर क्या बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैंक अकाउंट में आएगा, तो नहीं सर, इट इज़ ऑल्सो एन आउटसाइड लाइबिलिटी जस्ट लाइक बैंक लोन, ये भी क्रेडिट साइड आएगी रियलाइजेशन अकाउंट के। मिसेस पीज लोन है, अगर पी का लोन होता तो सेपरेट अकाउंट बनता। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड वाले आइटम, टू डेटर्स 20,000, तुरंत के तुरंत प्रोविजन 1,200 रुपये। डेटर्स आएगा आपका 20,000 और प्रोविजन है 1,200 रुपये। स्टॉक है आपका 40,000 रुपीज़, स्टॉक है आपका 40,000 रुपीज़। 3,000 शेयर्स इन ए लिमिटेड इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता है पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, बस नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी है 3,000। तो अगर कभी नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर बात हुई कि हाफ ऑफ द यूनिट्स या 40% यूनिट्स, तो हम इसकी बात करेंगे ना कि अमाउंट की। 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी डेबिट किया जाएगा, सारी बुक वैल्यू है। मोटर कार और प्लांट 75,000 और 80,000, इनको भी डेबिट कर लिया जाए। सिमिलरली मोटर कार डेबिट करी जाएगी टू मोटर कार के नाम से और टू प्लांट के नाम से। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ आएगा नहीं। क्रेडिट साइड जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 रुपीज़ का। क्रेडिटर जाएंगे 70,000 रुपीज़ के। मिसेस पीज लोन जो है, मिसेस पीज लोन 25,800 रुपीज़ का। ठीक है, कैपिटल अकाउंट सीधे के सीधे कैपिटल अकाउंट्स में चले जाएंगे। आगे की बात करते हैं किस किस तरीके से। अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है दूसरे कलर का, नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसी से काम चलाते हैं। सबसे पहले जो भी एसेट्स यहाँ आई हैं उनको रियलाइज़ यहाँ किया जाएगा, या पार्टनर टेकन ओवर करेगा तो भी यहीं आएगा, अगर कोई क्रिएटर ले जाएगा तो कहीं नहीं आएगा। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, डेटर्स 15,000 और प्लांट एट 30% डिस्काउंट। तो बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स ने जो दिया वो कितना दिया, 15,000 रुपीज़। फिर मैं बात करूं किसकी, प्लांट की। प्लांट जो है 30% डिस्काउंट में, तो प्लांट की 80,000 रुपये कीमत थी, प्लांट की वैल्यू थी दोस्त 80,000 रुपीज़। 80,000 को 30% माइनस करेंगे तो 24,000 माइनस हो गया, 56,000 आ जाएगा। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 36,000 एंड दिस वॉज टेकन ओवर बाई पी एंड क्यू इक्वली। स्टॉक जो है वो 36,000 का माना गया और उसको पी और क्यू इक्वली ले गए, तो पी की कैपिटल में भी स्टॉक गया है और क्यू की कैपिटल में भी स्टॉक गया है। सिर्फ आपको पता है जहाँ दाम नहीं आता वहाँ नाम आ जाता है, ऐसा मैंने बता रखा है आपको। 36,000 का अगर पूरा स्टॉक है तो आधा 18,000 का ये ले गए भाई साहब और दूसरा 18,000 का ये ले गए भाई साहब क्यू। बहुत सिंपल है गाइस, जो भी चीज़ें इधर आ रही हैं बैंक या पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आएगा, इसके अलावा कोई नाम नहीं आएगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है रियलाइजेशन में दो ही अकाउंट आएंगे, बैंक और पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में दो ही अकाउंट आएंगे, बैंक और रियलाइजेशन, और कैश अकाउंट में बैंक अकाउंट में दो ही अकाउंट आएंगे, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड 16 रुपये पर शेयर। जो मार्केट वैल्यू है शेयर की 16 रुपये पर शेयर की, तो हमारा इसका कोई काम नहीं है क्योंकि अब नई मार्केट वैल्यू दी है। पिछले क्वेश्चन में एक बार मार्केट वैल्यू दी थी और एक बार नहीं दी थी, तो जब नहीं दी थी तो हम इस पर काम करेंगे क्योंकि सारे के सारे शेयर्स ले गए। अब मार्केट वैल्यू दिए 16 रुपये पर शेयर। हाफ द शेयर्स वर सोल्ड इन द मार्केट, आधे शेयर जो है वो मार्केट में सोल्ड कर दिए गए। आधे शेयर का मतलब कितना है, 3,000 पूरे शेयर्स हैं तो आधे शेयर हो गए 1,500 और 1,500 का इंटू करेंगे हम 16 में 16 रुपये पर शेयर ना, हाफ द शेयर वर सोल्ड इन द मार्केट, केवल इतना पढ़ेंगे बाकी अभी 2 मिनट रुकिए। हाफ द शेयर वर सोल्ड इन द मार्केट 1,500 × 16 का मतलब है यहाँ पर आएगा 15,000 और 9,000, 24,000 रुपीज़ आएगा। दैट इज़ 24,000 रुपीज़ बाई बैंक ब्रैकेट में 1,500 शेयर्स × 16, 24,000 रुपीज़ बाई बैंक के नाम से आएगा। क्या चीज़ है गाइज़, ये इन्होंने शेयर सोल्ड कर दिए, इन्होंने शेयर सोल्ड कर दिए मार्केट में। अब आधे जो बचे हैं द बैलेंस ऑफ, आधे कितने बचे हैं 1,500 शेयर वर टेकन ओवर बाई पी एंड क्यू इन देर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आधे शेयर जो है पी और क्यू ने ले लिए, कितने कितने 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 3:2, तो 900 शेयर इन भैया ने ले लिया और 600 शेयर इन भैया ने ले लिए। किस रेट पर लेंगे सर कुछ पता नहीं है, बुक वैल्यू माने या मार्केट वैल्यू, सर बेस्ट है बुक वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू क्योंकि 16 रुपये हमें दी हुई है। तो 900 शेयर ले लिए पी भैया ने, किस किस बच्चे को नहीं समझ में आया जरा बता जरूर देना मुझे। देखो
टोटल शेयर कितने थे? 3000। 3000 में से बाजार में कितने चले गए, मार्केट में बेचने कितने चले गए? 1500। तो बचे कितने? 1500। 1500 को कैसे बांटा? 3:2 में। कहाँ लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या था पी और क्यू का? पी और क्यू का प्रॉफिट शेयरिंग क्या था? 3:2। आर का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो 900 शेयर पी भैया ने ले लिए और 600 शेयर जो है वो क्यू भैया ने ले लिए। कितने रुपये में? 1600 में। तो 9, 16, 144, 14,400 और 16×96 16696। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। एक क्रेडिटर ऑफ 50 हैड टू कवर मोटर कार इन फुल सेटलमेंट। जो भी है मोटर कार थी 75 की, 15 की, 50 की, 1 लाख की, कोई मतलब नहीं बोलना। फुल सेटलमेंट ऑफिस के लिए 50,000 के जो क्रेडिटर हैं, जैसे क्रेडिटर हैं टोटल कितने के आपके? 70,000 के। अगेन जैसे ही ऐसी कंडीशन आती है एक क्रेडिटर बना लो 50,000 वाला, तो बचे कितने? 20,000 वाले। 50,000 वाला जो क्रेडिटर है वो मोटर कार ले गया फुल सेटलमेंट अपने क्लेम में, सारे के सारे नहीं दोस्त। अगर वो सारे का सारा ले जाता तो एंट्री नहीं आती, पर अभी 50,000 वाले क्रेडिटर ले गया, 20,000 वाला क्रेडिटर रह गया। वो बोल रहा है भाई मेरा पैसा दो, 2% डिस्काउंट पर। 2% या परिणाम नहीं है, सीधे के सीधे माइनस कर देंगे टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितना? 19,600। ये कैसे आया? टोटल 70,000 के थे, 50,000 वाले क्रेडिटर मोटर कार लेके फुल सेटलमेंट में। उन्होंने बोला भाई मोटर कार तुम्हारी 75 की है या 50 की है, 20 की है, 1 लाख की है या 7.5 लाख की है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं फुल सेटलमेंट में इसको ले जा रहा हूँ। मैं फुल सेटलमेंट में इसको ले जा रहा हूँ, मतलब मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, पर ये 20,000 वाला तुम्हारे पास आएगा। मतलब दो क्रेडिटर हैं 50,000 या 20,000 वाले। 20,000 वाला बोल रहा है कि मुझे चाहिए पैसे नगद, मैं कोई कारवार नहीं ले जा रहा तुम्हारी, मुझे पैसे कितने दोगे आप? 2% डिस्काउंट काट कर मुझे पैसे दे दो। समझ में आ रही है इस बात? ठीक से समझ में आ रही है। इसके बाद जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ रहेगी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 हो गए। पी इज एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। पी को बोल दिया तुम अपनी वाइफ का लोन पे कर दो। जो भी था पी की वाइफ का लोन था साहब 25,800, पी पे कर देगा इसको। अब बचा बैंक ओवरड्राफ्ट। सर इसके बारे में कोई जानकारी कहीं भी कुछ नहीं है, तो क्या करोगे बोलो? पे करोगे या नहीं करोगे? सर एसेट के बारे में नहीं होती तो इग्नोर कर देते, बट अगर लाइबिलिटी के बारे में नहीं है, तो पे ऑफ करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ें गाइस, आगे बढ़ें जी सर। अब प्रॉफिट और लॉस आपके हाथ में, आप क्या निकालते हैं दोनों का टोटलिंग करना जरूरी पड़ेगा। सारी बातें सुन लो, क्या है? सारी एसेट्स उठा के यहाँ डाली हैं, सारी लाइबिलिटीज़ यहाँ डाली हैं। जैसे जैसे वो रियलाइज़ हुई हैं उस तरीके से रियलाइज़ किया है। अगर जो पैसे बैंक से मिले वो बैंक से, जो पार्टनर ले गया उसे पार्टनर के नाम से, पी का लोन पार्टनर के, पी बोल रहा था मैं पे कर दूंगा, घर की बात है हमारे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा था, कौन झेलेगा कौन करेगा, तो फॉर्म ही झेलेगी और फॉर्म ही पे करेगी। आगे बढ़ेगा इस, आगे बढ़ सकते हैं जी सर, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फटाफट से टोटलिंग करनी पड़ेगी। 3,08,400। 3,08,400 पर दोबारा कर लो, 60,90,1,65,2,55,2,60,70,80 3,08,400 यहाँ का डेबिट का टोटल आ रहा है। इधर का क्रेडिट कर दें 2, 8, 10, 14, 6, 20 3, 5, 10, 15, 21, 37, 44, 6, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24 2,64,000 2,64,000 यहाँ का डेबिट का टोटल आ रहा है 3,08,400। तो डेबिट का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, मतलब लॉस आ रहा है सर। 2,64,000 लॉस कितना आ रहा है? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। किन किन भैया की कैपिटल में जाएगा? ये जाएगा सर पी की, क्यू की और आर की। पी की कैपिटल में, क्यू की कैपिटल में और आर की कैपिटल में कितना जाएगा? माइनस कर दो 3,08,000 में से 2,64,000, तो पीछे तो 400 आएगा, 44,400। तो यहाँ आ जाएगा 22,200। ठीक है, और इसका 1/6, 6×6=42, 6×4=24 और यहाँ आएगा 14,800।
सबको टोटल करें, 2, 8, 10 और 14, 2 और 4, 6, 7, 13, 1, 14, 2 और 1, 3 और 1, 4, 3,08,400 रुपया डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। तुरंत के तुरंत लॉस को जो है वो रियलाइजेशन में शिफ्ट कर दो, अदरवाइज हम भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। 22,200 यहाँ भैया के पास, 14,800 इन भैया के पास, और 7,400 इन भैया के पास, पी क्यू और आर तीनों के खाते में डाल दो पैसा। फिर एक एक करके स्टार्टिंग करते हैं इनके कैपिटल अकाउंट की। बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, जो भी इनका अमाउंट है उसे करेंगे हम बाई बैलेंस बीडी। क्या है साहब? 1,20,000, 95,000 और 5,000, 1,20,000, 95,000 और 5,000, समझ में आ रहा है? उस इधर जाएंगे, कहीं कोई जनरल रिजर्व रिजर्व वगैरह नहीं है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जिसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना है? 84,000 है, 3:2:1 में जाएगा ये 42,000, 42,000, 2/6 से आएगा 28,000 और 1/6 से आएगा 14,000। क्लियर है कहानी? जी सर क्लियर है कहानी, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब करेंगे सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम क्या? बैलेंस शीट निपट गई, यहाँ का आइटम यहाँ और यहाँ का आइटम यहाँ हो गया। बेहतरीन काम ये रह गया कि जहाँ जहाँ पी और क्यू का नाम आ रहा है, इधर देखो, ये रहा सर, पी अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, यहाँ इसका नाम आ रहा है, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट किसके खाते में? सिर्फ पी के खाते में 25,800 रुपीज़, बाकी कहीं पी का नाम नहीं आ रहा, सब बैंक के बैंक है, तो बैंक में जाएगा। इधर पी मिल गया, क्यू मिल गया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले पी के खाते में 18,000 स्टॉक लेकर गए थे ना, आधा, फिर क्यू के खाते में 18,000, फिर आगे बढ़े, फिर बैंक है, फिर पी और क्यू, लॉस तो पहले मैंने डाल दिया, फिर पी और क्यू दोबारा से आ गए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक बार स्टॉक ले गए एक बार शेयर ले गए, 14,400 के और 9,600 के। बाकी आर का कहीं कोई नाम नहीं है, तो बस फटाफट से फाइनल पैकिंग कर दो, किसको कितना पेमेंट करना है, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है। तो 1,45,800 आएगा यहाँ का टोटल, 1,20,000 और 25,800, 1,45,800 यहाँ का टोटल आएगा, यहाँ आएगा आपका 22,42,64,72,82,86,96। सही आ रहा है भाई सब, पी का तो सही आ रहा है, टू बैंक अकाउंट 49,200। ठीक है दोस्त, 1,45,800। नेक्स्ट बात करेंगे क्यू की, क्यू का इधर आ रहा है 95,000 और इधर आ रहा है 8 और 6, 14, ठीक है, 14, 28, 42, 42 और 8, 50, 60, 69, 71,400, 24,600, 24,600। क्यू का भी सही आ रहा है भाई साहब, अभी तक तो ईश्वर की कृपा चल रही है हमारे ऊपर, ये लेकर आएगा पैसा, तो इसका डेबिट का टोटल आ रहा है 21,400, तो ये ले पैसे लेकर आएगा घर से बाई बैंक, ऐसा कम ही सिचुएशन में होता है, ये लेकर आएगा 16,400, एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं, 16,400। क्लियर है गाइस? बहुत इजी है, कुछ ऐसा भयंकर सा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए, सब पुराना सा लाइक शेयर वाला पॉइंट नहीं आता कि शेयर वाले में हमेशा क्या करना है, अगर मार्केट वैल्यू दे रखी है और पार्टीशन करना है तो आप नंबर ऑफ शेयर्स पर फोकस करेंगे, और ऐसा नहीं है तो आप नंबर ऑफ शेयर पर फोकस नहीं करेंगे। एक एक करके करते हैं बात, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी सर है ही नहीं है, बैंक अकाउंट का टू बैलेंस बीडी है ही नहीं, एक एक करके बैंक को ढूंढते कहाँ है। सबसे पहले 1, 2, 3 पूरे में कहाँ है, 3 बार है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, मैं सारा मिक्स कर दे रहा हूँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, 56,71,000, 71,000 और 75,000, 95,000, ठीक है, बाई बैंक वाला नहीं है, एक यहाँ पड़ा हुआ 16,400, ये क्या है, टू आर्स कैपिटल, ठीक है, जगह कम होने की वजह से मैंने जोड़ा, आप चाहो तो सेपरेटली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की बात करेंगे तो 49,200, 24,600 जहाँ भी बैंक आ रहा है, बाई पीस कैपिटल, बाई क्यूस कैपिटल, और लास्ट रियलाइजेशन का जोड़ लेते हैं, 1, 1, 2 और 1, 3, 1,926, 1,200, 1,237, 37,600 बाई रियलाइजेशन
अकाउंट, 2 × 4 = 6 × 6 = 12 × 2 = 14, 400, 8 × 12 = 21, 5 × 7 = 11, 111,400 यहाँ का तो सही आ रहा है और यहाँ का भी सही आ रहा है, 111,400। 16 मिनट में मैंने क्वेश्चन किया, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, तो आप अगर इस क्वेश्चन को 20 मिनट में भी करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम में अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, 8 में से 8 मार्क्स ले आएंगे। बस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, मेरे चार जो कॉन्सेप्ट अब तक, फिफ्थ तो अभी तक बन ही नहीं पाया, काफ़ी टाइम से कोशिश चल रही है, 4 कॉन्सेप्ट में आप दम दिखा देंगे, बस उन 4 कॉन्सेप्ट के जो नोट्स आप बना रहे हैं हैंडमेड, उनको बार बार रिवाइज करना, इट इज़ वेरी वेरी बेटर। मुझे खुद अपनी अच्छी वीडियो अच्छी लगने लगी है अब तो। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, बी हैप्पी ऑलवेज़।